हाय गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दैट इज़ कैन सेलिब्रिटीज़ बी अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस है सेबी और आई का ये दोनों मार्केट रेगुलेटर्स हैं सिक्योरिटीज मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे पहला जो सवाल है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट इज कैन सेलिब्रिटीज एडवरटाइज म्यूचुअल फंड स्कीम्स तो इसका आंसर है नो सेलिब्रिटीज नॉट एडवर्टाइज म्यूचुअल फंड स्कीम्स बट आपने टीवी पर काफी बार म्यूचुअल फंड सही है नाम से एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जहाँ पे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा एंड बाकी और भी क्रिकेटर्स आते हैं वो लोग म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट में तो सेलिब्रिटी आते हैं तो फिर कैसे ये लीगल हुआ तो यहाँ पर एक स्लाइड डिफरेंस है वो स्लाइड डिफरेंस ये है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये लोग किसी म्यूचुअल फंड कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा डालने के लिए नहीं कह रहे हैं ये लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड एज अ इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं जहाँ पर ये लोग फायदे बताते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के और उसके अलग अलग फीचर्स बताते हैं आपको तो हम लोग पहले समझेंगे कि ये म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या और उसके बाद इनडेप्थ में ये गाइडलाइंस एक बार देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली होता क्या है कि जो एक इन्वेस्टर है वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्ट करता है अब म्यूचुअल फंड इसी तरीके से काफी सारे लोगों से पैसा उठाती है और उसका एक पूल बनाती है एंड उसके बाद म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनी के शेयर्स में डिबेंचर्स में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती है एंड आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी म्यूचुअल फंड हाउस को डिविडेंड पे करती है या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी जो ये शेयर्स है ना जो इन्होंने परचेज किया था इसका प्राइस बढ़ने के बाद ये लोग बेच देते हैं एंड फिर अपना कमीशन इसमें से निकाल कर बाकी का जो पैसा है वो इन्वेस्टर के पास वापस कर देते हैं ये मैंने बेसिकली आपको एक लेम एंड लैंग्वेज में समझाया है कि म्यूचुअल फंड है क्या तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल कंपनी है जो आपका पैसा इन्वेस्ट करके आपको एक सर्टन रिटर्न देती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अब यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकलिटीज के ऊपर जाएंगे तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे एसेट एसे मैनेजमेंट कंपनी स्पॉन्सर कस्टोडियन एक्सेट्रा लेकिन उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज ऑन द एडवर्टाइजमेंट पार्ट एंड नॉट ऑन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड तो अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस एक्चुअली क्या कहता है तो एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस ये कहता है कि नो सेलिब्रिटीज शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट शेल बी अलाउड

तो वो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर ही होगा अवेयरनेस फैलाने के लिए म्यूचुअल फंड एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट का किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस या एएमसी का प्रमोशन ये एडवर्टाइजमेंट में नहीं किया जाएगा तो आपने शायद टीवी पर देखा होगा ये एडवर्टाइजमेंट जिसका मैंने स्क्रीनशॉट इंसर्ट किया है इस स्लाइड में इस एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली सचिन तेंडुलकर इस लेडी को समझाता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या रिस्क है और कहता है कि उन्हीं को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो यहाँ पर सचिन तेंडुलकर ने किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस जैसे एस हो गया आई हो गया एच हो गया इनका प्रमोशन नहीं किया है और ना ही किसी पर्टिकुलर स्कीम का नाम लिया है यहाँ पे सिर्फ वो म्यूचुअल फंड एज ए कैटेगरी के ऊपर अवेयरनेस फैला रहा है और सेम चीज़ें बाकी जितने भी एड्स हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी का हो या बाकी जो हमारे क्रिकेटर्स का हो उनके ऐड में भी यही सेम है उन लोग सिर्फ बेनिफिट्स एंड फीचर बताते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप इस म्यूचुअल फंड में डालिए या इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए ऐसा वो लोग बिल्कुल नहीं कहते हैं एडवर्टाइजमेंट वैलिड है इसके साथ और भी कुछ गाइडलाइंस है जैसे एडवर्टाइजमेंट शल नॉट कंटेन स्टेटमेंट विच आर फॉल्स मिसलीडिंग बायस्ड डिसेप्टिव बेस्ड ऑन एजम्शन प्रोजेक्शन एंड शल नॉट कंटेन एनी टेस्टिमोनियल और रैंकिंग बेस्ड ऑन एनी क्राइटेरिया यानी एडवर्टाइजमेंट बेसिकली सही होना चाहिए उसमें किसी भी टाइप का फॉल्स या मिसलीडिंग चीज़ें आप नहीं बोल सकते हैं। और साथ ही में एजम्पन या प्रोजेक्शन भी नहीं दे सकते हैं कि इतने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा या इतने टाइम के बाद आपको दुगना रिटर्न मिलेगा ऐसा कुछ प्रोजेक्शन या एजम्शन आप नहीं दे सकते एडवर्टाइजमेंट में साथ ही में कुछ टेस्टिमोनियल भी आप जोड़ नहीं सकते हैं टेस्टिमोनियल बेसिकली ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन हो जिसने नाइनटीन में इन्वेस्ट किया हो और उसका आज इन्वेस्टमेंट लगभग दो सौ गुना या तीन सौ गुना हो गया हो उसको आप एडवर्टाइजमेंट में लेकर आते हो और वो अपना टेस्टीमोनियल देता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था अब जाकर इतना हुआ है तो वो टाइप का भी एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है और रैंकिंग भी आप किसी भी टाइप का नहीं दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि हम लोग कोटक म्यूचुअल फंड है हमारा नंबर वन है ऐसा भी आप कुछ बोल नहीं सकते एडवर्टाइजमेंट में तो ये बेसिकली गाइडलाइंस है इसके साथ ही फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट शल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसक्रेडिट अदर एडवर्टाइजमेंट्स और मेक अनफेयर कंपेरिजन किसी भी टाइप का अनफेयर कम्पेरिजन आप नहीं कर सकते कि हमारा म्यूचुअल फंड इतना अच्छा है इनका म्यूचुअल फ़ंड ख़राब है या ये म्यूचुअल फंड हाउस अच्छा नहीं है और हमारा म्यूचुअल फंड हाउस अच्छा है ऐसा भी कुछ कम्पेरिजन देना अलाउड नहीं है और ये जो सिक्स पॉइंट है इसमें एक स्टैंडर्ड वार्निंग देना होता है कंपनीज़ को जब भी वो लोग एडवर्टाइजमेंट इशू करते हैं ये आप में से काफ़ी सारे लोगों को याद भी होगा लाइन कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट मार्केटरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये चीज़ें बोलना है ये बेसिकली जो लाइन है ना ये कम से कम पाँच सेकेंड तक चलना चाहिए किसी भी एडवर्टाइजमेंट में और किसी भी टाइप का एडिशन या डिलीशन नहीं होना चाहिए ये जो सेंटेंस है ये जैसा है वैसा ही पूरा बोलना है तो ये रीजन की वजह से हर एडवर्टाइजमेंट में ये लाइन जो है स्टैंडर्ड वार्निंग दिया जाता है तो ये बेसिकली सारे गाइडलाइंस हो गए म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट करने के इसके साथ ही देखिए मैंने और एक स्क्रीन यूज़ किया है कोटक म्यूचुअल फंड का जहाँ पर लिखा है कि एनी थिंग एंड एवरी थिंग अबाउट एस आई पी टॉक टू मिस्टर एस आई पी तो यहाँ पर भी देखिए सेलिब्रिटी को इन्होंने यूज़ किया है लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा है एन इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव तो यहाँ पर ये लोग कोटक म्यूचुअल फंड के बारे में कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट में एंड बेसिकली इंडस्ट्री अवेयरनेस के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए ये चीज़ें अलाउड है इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे वॉट अबाउट एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्टॉक ब्रोकरस अब स्टॉक ब्रोकरस है कौन तो स्टॉक ब्रोकर एक इंटरमीडियरी है या फिर आप एजेंट बोल सकते हो जो आपके बिहाफ में स्टॉक सेल करेगा या परचेस करेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट में तो आपको पता है कि आप डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से आपको किसी ब्रोकर के पास अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा उसके बाद ही आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इंडिया में बेसिकली स्टॉक ब्रोकर्स है जैसे कि जेरोडा अब स्टॉक ग्रो आई सी आई सी सिक्योरिटीज एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं तो इनके गाइडलाइंस क्या है ये जरा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम है कि नो सेलिब्रिटी शेल फॉर्म पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट अप्रूवल ऑफ़ स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ बी एस सी एंड एन एस सी इज़ रिक्वायर्ड बिफोर इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट, ट्रू फेयर क्लियर एंड कम्प्लीट ब्रोकर शेल नॉट मेक एनी प्रॉमिस और गारंटी ऑफ एश्योर्ड रिटर्न टू इन्वेस्टर एंड शेल डिस्प्ले ट्रेटरी वार्निंग्स तो यहाँ पर भी सेलिब्रिटी का फीचर करना अलाउड नहीं है साथ ही मैं अप्रूवल लेना होता है स्टॉक एक्सचेंज से आपने ये दोनों एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा टी वी पर आई पी एल के दौरान जहाँ पर ये ग्रो एप का एडवर्टाइजमेंट करते थे और यहाँ पर ये अब स्टॉक का एडवर्टाइजमेंट होता था तो यहाँ पे देखिए सेलिब्रिटी का यूज़ नहीं किया है इन्होंने कंपनीज़ ने और साथ ही में आपने काफ़ी बार ये भी देखा होगा कि ये जो ब्रोकर्स हैं ये लोग कुछ यूट्यूबर्स के साथ टाइप करते हैं या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ये लोग टाइप करते हैं और वहाँ पे प्रमोट करते हैं अपना एप्लीकेशन या फिर अपना जो प्लेटफॉर्म है वो तो उसका भी अप्रूवल जो है इनको लेना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेने के बाद ही ये लोग एडवर्टाइजमेंट या टाई अप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर से तो ये बेसिकली हमने बात किया स्टॉक ब्रोकर एंड म्यूचुअल फंड दोनों के बारे में अभी हम लोग जरा बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर कि इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर क्या है ये तो कैन सेलिब्रिटीज एडवर्टाइज इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर समझने के लिए हमें दो अलग अलग चीज़ों के जरिए समझना पड़ेगा पहला है बाई इंश्योरेंस कंपनी अब इंश्योरेंस कंपनी जैसे एल हो गया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो गया रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हो गया ये सारे इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस इशू कर दिए और दूसरी कैटेगरी है बाय इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर अब ये कौन है ये है जैसे पॉलिसी बाजार कवर फॉक्स ईजी पॉलिसी जो बेसिकली खुद का कोई पॉलिसी बेचते नहीं है बट ये लोग अपने वेबसाइट में जो बाकी इंश्योरेंस कंपनी है ना जैसे ये एल हो गया स्टार हो गया रिलायंस हो गया इनका पॉलिसी लिस्ट करते हैं अपने वेबसाइट में मतलब एज अ ऑनलाइन एजेंट काम करते हैं ये लोग तो अगर हम लोग गाइडलाइंस देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर तो यहाँ पे सेलिब्रिटीज कैन बी ए पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और साथ ही में एवरी एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद आईआरडीआई एडवर्टाइजमेंट्स मस्ट नॉट बी फॉल्स अनफेयर और मिसलीडिंग तो जैसे म्यूचुअल फंड में रिस्ट्रिक्शंस हैं वैसे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे सेलिब्रिटीज एड में पार्ट ले सकते हैं और साथ में प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ठीक है तो यहाँ पे जो ये पिक्चर है ये एच डी एफ सी एड का है जहां पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी एच डी एफ सी एरगो का प्रमोशन करते हैं एज अ प्रोडक्ट एंड एज अ सर्विस और साथ ही में ये और एक पॉइंट है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में एवरी एडवर्टाइजमेंट फॉर इंश्योरेंस स्टेट क्लियरली दैट इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन एंड स्टेट द फुल नेम ऑफ इंश्योर इंटरमीडरी इंश्योरेंस एजेंट यानी ये इनको भी एक स्टेटूटरी वार्निंग देना होता है लेकिन यहाँ पे ये स्टेटूटरी वार्निंग क्लिप के बेसिस पे दे देना है जैसे म्यूचुअल फंड में पाँच सेकेंड तक चलना चाहिए वीडियो में वैसा कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर अगर ये लोग स्क्रीन में दिखा भी देंगे ना ऐसा लिखा हुआ है तो भी चल जाएगा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर बेसिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो लोग सेलिब्रिटी के साथ ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर के बारे में जैसे पॉलिसी बाजार कवरफॉक्स एक्सेट्रा हो गया जहाँ तो से आप ऑनलाइन पॉलिसी परचेज करते हैं तो उनके ऊपर क्या गाइडलाइंस है वो हम लोग जरा देखेंगे तो पहला पॉइंट में जैसे लिखा है सेलिब्रिटीज़ कैन बी अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड कैन प्रमोट द वेबसाइट ऑफ एग्रीगेटर एग्रीगेटर शल नॉट एडवर्टाइज द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी यानी पॉलिसी बाजार अगर अपना एड चलाता है तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकता है विद एनी सेलिब्रिटी लेकिन उस एड में ये लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी का जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको प्रमोट नहीं करेंगे जैसे अभी आपने ये ऐड देखा होगा जहाँ पे अक्षय कुमार यमराज बने थे और ये कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लो टर्म इंश्योरेंस लो तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि एक करोड़ का इंश्योरेंस लो इतने इतने अमाउंट में लेकिन वो लोग कहते नहीं है कि, कि किस कंपनी का ये इंश्योरेंस है या किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं वो लोग बिकॉज उनको अलाउड नहीं है वो चीज़ें तो यहाँ पे सिर्फ अपना वेबसाइट ये लोग प्रमोट कर सकते हैं लेकिन किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं प्रमोट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे चारों कैटेगरी का क्या क्या बेसिकली चीज़ें हैं वो हम लोग ज़रा एक बार रिकैप करेंगे सबसे पहला था म्यूचुअल फंड कंपनीज तो क्या ये लोग एडवर्टाइजमेंट विथ सेलिब्रिटी कर सकते हैं द आंसर इज नो दे कैन नॉट एडवर्टाइज विथ सेलिब्रिटी लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे ये लोग कर सकते हैं प्रमोशन एंड विदाउट सेलिब्रिटी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है रही बात स्टॉक ब्रोकर की तो एडवर्टाइजमेंट विद सेलिब्रिटी अलाउड नहीं है एडवर्टाइजमेंट विदाउट सेलिब्रिटी अलाउड है इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस कंपनी की तो ये लोग सेलिब्रिटी के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट सेलिब्रिटी भी कर सकते हैं तो रही बात इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर के बारे में तो ये लोग भी सेलिब्रिटी के साथ ऐड कर सकते हैं और सेलिब्रिटी के बिना भी कर सकते हैं ऐड लेकिन यहाँ पे इनको एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रोडक्ट है या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का सर्विस है उसको ये अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रमोट नहीं कर सकते दैट्स इट फ्रॉम माई साइड वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइए कमेंट सेक्शन में इसके साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को और चैनल को लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी उस पर व्यूज़ दिए काफ़ी शेयर किया अपने वीडियो को काफ़ी लाइक किया लेकिन चैनल सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी कम लोगों ने किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए आप और अगर ये पी का कॉपी आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी ऑलवेज वेयर अ मास्क बाय बाय जय हिंद